कि मैं शराब दे के मार दूंगा, ये कि मैं आपका अगला पिछला सब बता दूंगा, लोगों को डराना, ये सब जो है ये आपकी मीडिया में तो क्रिटिसाइज हो रहा है ना, जो असली मीडिया है। सारे पत्रकार नतमस्तक हो रहे हैं सर उसके चरणों में, वो क्रिमिनल्स हैं, जो नतमस्तक हो रहा है पत्रकार वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल मीडिया। कितने पत्रकारों पे मेनस्ट्रीम मीडिया के FIR दर्ज नहीं हो रही, वो क्राइम कर रहे हैं ना आज। ये इससे बड़ा क्राइम कुछ होगा कि इतना बड़ा देश के साथ धक्का हो गया, 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए, वो रिपोर्ट ही नहीं दिखा रही, ये क्राइम नहीं है क्या? नितिन क्राइम करने के बहुत तरीके, पुलिस अगर भ्रष्ट अधिकारी अमित शाह जी ने बिठा रखे हैं, तो अगर ईडी में CBI में भ्रष्ट अधिकारी बिठा रखे हैं तो वो FIR दर्ज नहीं कर रहे तो क्या वो क्राइम नहीं हो रहा? अगर आपका मर्डर कर दिया जाए नितिन, और पुलिस जैसा हमारे SC ST भाइयों के साथ होता है आमतौर पे, बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं, पुलिस FIR ही दर्ज नहीं करती, तो जो वो बलात्कार और मर्डर करने वाले लोग हैं क्या वो अपराधी नहीं है? हम लोग मेहनत करके कोर्ट के माध्यम से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते हैं ना, जैसे हमने सुरेश चवाणके के खिलाफ कराया अभी आतंकवाद का मुकदमा दर्ज, अदालत पुलिस ने तो नहीं किया था ना। हिंदू राष्ट्रवादी तो भारत देश के गद्दार है, वो संविधान के गद्दार है, वो देश के गद्दार है। नितिन गडकरी और फडणवीस भी जा रहे हैं सर उसके दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री के, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर किसी को क्रिमिनल्स पसंद है तो उसके पास जा सकता है ना। अब अडानी जी के पास तो कौन कौन नहीं जा रहे, जो दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, मंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो भी जा रहे हैं, पर अडानी जी क्रिमिनल ही है ना। भारत का संविधान जो है वो सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है, ये संविधान के खिलाफ जाके जो योगी जी अगर इस बात को कहते हैं तो वो भी एक अपराध है, आज नहीं तो कल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तेज सिंह साहब को वो मना किया है हॉल देने से, तो उन्हें FIR करानी चाहिए बगैर किसी वजह के, तो इसका एक ही नतीजा है कि क्योंकि वो शेड्यूल समाज से आते हैं इसलिए उनके साथ भेदभाव किया है दिल्ली सरकार के अफसरों ने, उनको इसके खिलाफ FIR करानी चाहिए। लेकिन सर राजधानी है, अगर यहाँ ऐसा होगा तो दूर दराज के इलाकों में क्या होगा? आप खुद ही अंदाजा लगा लो, जो यहाँ ऐसा हो रहा है तो वहाँ क्या हो रहा होगा बाकी जगह, तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ ना। इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं दिन रात कि ये जो सोच है ना, ये सोच को हमें जड़ से खत्म करना है। संविधान से देश चलेगा, किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, मनुवाद को पीछे हटना पड़ेगा अंबेडकरवाद के सामने, संविधान के सामने। अभी देखिए संविधान की हर एक बात को, जो लोग संविधान की शपथ लेके, और मैं तो यही कहूंगा कि वो झूठी शपथ लेके बैठे हैं सब, संविधान को धोखा देके, देश को धोखा देके बैठे हैं, क्योंकि संविधान की बातों का पालन नहीं कर रहे, रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से लूट मचा रखी है अडानी अंबानी और इन जैसे लोगों ने देश में, ये सब संविधान का उल्लंघन है। जिस प्रकार से चाइना को संविधान की धारा 2 है सबसे महत्वपूर्ण, देश की जो धरती है वो डिफाइन की गई, जब ये संविधान का इतना बड़ा 2000 किलोमीटर चाइना जमीन हमारी हड़प गया, और प्रधानमंत्री जी सेना को इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वो चाइना से अपनी जमीन वापस ले, पाकिस्तान से POK वापस ले, ये प्रधानमंत्री जी इजाजत नहीं दे रहे, सेना बेकरार बैठी है, सेना मतलब एकदम अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही होगी एकदम, क्योंकि वो अपनी जमीन वापस ले सकते हैं मातृभूमि, और प्रधानमंत्री जी उनको इजाजत नहीं दे रहे, तो इसीलिए सेना को इजाजत न देना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो भारत की धरती जो है उसी के लिए, उसी के ऊपर हमला है, तो जो धरती के ऊपर हमला करवा सकते हैं और फिर बैठ के तमाशा देखें तो वो तो संविधान के इतने बड़े विरोधी हैं। और जो उसके बाद चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना, अगर 1 रुपए का व्यापार होता है तो 80 रुपए चाइना को फायदा होता है, 20 रुपए हमारे देश को फायदा होता है, ये देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है ना, क्योंकि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो है चाइना की कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। अभी अडानी जी के साथ एक पकड़ा गया ना चाइनीज, चांगली पकड़ा गया ना अभी अडानी जी के साथ, तो उसके खिलाफ क्या ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं करना चाहिए अडानी जी के खिलाफ? जो 11 लाख करोड़ रुपए चाइना के लोगों के साथ मिल गए अडानी जी ने देश का नुकसान कराया है, जो SBI से लोन लेके पैसे चुरा के अपने जो फ्रंट कंपनीज हैं, जो शेल कंपनीज हैं मॉरिशस में, जो दूसरे केमेन आइलैंड्स में, उसके जरिए जो खेल किए हैं करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए का हेर फेर किया अडानी जी ने, उसका हिसाब लेना क्या मोदी जी का फर्ज नहीं है? क्यों नहीं हो रहा? क्यों ईडी इनके खिलाफ काम नहीं कर रही? भले ही आप देखिए लालू जी के खिलाफ ईडी, लालू जी के बेटे के खिलाफ ईडी, ये ममता बनर्जी के मिनिस्टर्स के खिलाफ ईडी, जो संजय रावत हैं उनके खिलाफ ईडी, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी, जो दिल्ली ये आप ये देख लीजिए कांग्रेस के तीनों नेता जो हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनके खिलाफ ईडी, उनके खिलाफ तो कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं है, तो जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए चुरा लिए उनको ईडी द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसके कहने पर? अमित शाह जी के कहने। नहीं, बिजनेस तो उनका क्या है, पैसे चुराना देश के, वो बिजनेस तो चल ही रहा है ना, वो तो और बेटर हो गया, वो तो और धंधा बढ़ गया उनका,
उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने शेयर्स के रेट्स आर्टिफिशियली बढ़ा के बड़े हुए दामों को दिखा के लोन लिए हैं लाखों करोड़ रुपए। ठीक है, अब जैसे उन्होंने 2.5 लाख करोड़ के करीब अभी माफ कराए, बैड डेट्स हुए उनके, जो लोन उन्होंने लिए थे, जो शेयर जिस गिर भी थे, जो उनकी कीमत ही 1 रुपये होगी, उनको 300 रुपये दिखा के जो लोन लिया था, वो लोन SBI को और दूसरे बैंकों को दे दिए। ठीक है, अब वो लोन तो उस कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रखते। ये जो उन्होंने लाखों करोड़ रुपए माफ़ कराए, ये काम है, तो यही तो उनका धंधा है, ये धंधा तो बढ़िया चल रहा है। और किसका नहीं, उसके अलावा भी जो अडानी जी की कंपनी का पैसा जो बता रहे हैं ना, 2.5 लाख करोड़ उनका अभी इसमें डूबा है। 2.5 लाख करोड़ तो माफ़ कराया उन्होंने बैंकों से, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने प्रेशर डाल के बैंकों, वो तो एक अलग बात है। ये जो 2.5 लाख करोड़ जो बहुत सारे हमारे अपने आप को अच्छा पत्रकार कहते हैं, ये बता रहे हैं अडानी जी का नुकसान होगा, उनका कौन सा नुकसान हुआ, उन्होंने तो एक पैसा कभी लगाया ही नहीं है ना, वो तो सब देश की जनता का जो पैसा था, जो हमारे PSU इनके शेयर जो खरीद रहे हैं, वो पैसा किसका था, वो तो मेरा और आपका पैसा था ना, वही पैसा तो डूबा है। अडानी जी का कौन सा पैसा डूबा, जितना पैसा डूब रहा है उतना अडानी अंबानी और ये हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों का फायदा हो रहा है, इस बात को समझ ले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ ले, बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरीके से समझ ले। अगर आपको ये विश्वास है कि हमारे देश की सेबी सही से काम कर रही है, अमित शाह जी उनसे सही से काम करवा रहे हैं, हमारे देश की ED से अमित शाह सही से काम करवा रहे हैं ईमानदारी से, उससे CBI से और NIA से अमित शाह जी ईमानदारी से काम करा रहे हैं, मैं अमित शाह जी का नाम ले रहा हूँ, तभी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, वरना बहुत बड़ा खतरा है शेयर मार्केट में बिटकॉइन में पैसा लगाने का, और जितनी भी जो कमोडिटी ट्रेडिंग हो रही है या दूसरी ट्रेडिंग जो हो रही है उसमें पैसा लगाना। लेकिन सर ये जो खबर है हिंडनबर्ग की, ये मेनस्ट्रीम इंडिया से गायब है सर, कहीं खबर नहीं आ रही है कि पैसा डूब गया अडानी का? अभी तो NDTV खरीदा है, क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहे हो आप, पहले आप एक बात समझ, मीडिया कौन है इस देश का, जो फोर्थ पिलर है कौन है, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। अगर आप ही मुझसे ऐसा सवाल पूछोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। असली मीडिया आप लोग हो, वो क्रिमिनल्स हैं, जो TV चैनल्स पे मेनस्ट्रीम मीडिया अपने आप को कह रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं, इस अपराध में भी और दूसरे जो देशद्रोह के सारे अपराध हो रहे हैं, जो चाइना के साथ मिलकर देश में अपराध गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन कर रहे हैं, उसमें वो सब अपराधी हैं। जिस दिन सही सरकारें आएंगी ये सब लोग जेल में होंगे, जितने आज ये टेलीविजन चैनल्स के एंकर्स बैठे हैं सब जेल में होंगे, देशद्रोह के लिए, आतंकवाद के लिए। मेरी बात को आप याद रखें, असली मीडिया आप हो, आप जो बोल रहे हो वो सच है, असली चौथा पिलर आप हो डेमोक्रेसी का, और आपकी रीच इस क्रिमिनल मीडिया से कम 100 गुना ज्यादा, ये बात आपको पता है ना, 100 गुना ज्यादा कम से कम है जो सोशल मीडिया की रीच है, तो और वो भी उनकी बता रहा हूँ जो इनसे कनेक्टेड नहीं है सोशल मीडिया, आप लोग जो इनसे कनेक्टेड नहीं है, मोदी जी इसने भी गिरा दिए हैं, कार गिरा दिए हैं। क्यों गिरा रहे हैं? क्योंकि आप लोग असली मीडिया आपसे डर है, वो तो उनके उनके ही लोग हैं, वो तो उन्हीं के साथ क्राइम में इन्वॉल्व है। आपकी मीडिया में बोल रही है, मीडिया में आपको मानता हूँ, आपकी मीडिया में तो उसका असली रूप नजर आ रहा है ना, आपकी मीडिया में तो उससे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उसको किसी को मरवाने के लिए सुपारी क्यों देनी है, वो खुद ही शराब देके मरवा दे। आपकी मीडिया हनुमान का भक्त है सर, वो जो जिसका भी भक्त हो मैं उससे नहीं रोक सकता उसे, क्योंकि भारत का संविधान इजाजत देता है कोई किसी को भी भक्ति कर सकता है। हमारे पास भेज दीजिए, हम FIR करा देंगे जिन लोगों ने ऐसा काम किया। तो सरस्वती की पूजा करनी है तो ज्ञान मजबूर नहीं कर सकता, कोई खुशी खुशी कर रहा है कुछ भी, उसकी इजाजत भारत का संविधान देता है, तो वो संवैधानिक कार्य है। अगर मैं आपको जबरदस्ती कोई काम कराता तो वो अपराध है, उसके खिलाफ FIR होगी और वो लोग जेल जाएंगे जो ऐसा काम। वो तो ये कि अगर कोई जिसको शूद्र कहा जाता है वो खुशी खुशी बंद कमरे में जाके पिटना चाह रहा है तो ये उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर किसी बाहर के व्यक्ति को पता भी लग गया कि इसकी पिटाई हुई है या किसी मनुवादी ने इसको पीटा है तो फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। कोई अभी अभी खुशी खुशी जाके पिटना चाह रहा है तो तभी FIR दर्ज नहीं होगी। किसी को पीटने के लिए कहा जाना अपने आप में अपराध है। ये जो झूठे मुकदमे कराए हैं अगर इसमें वो लोग ठीक से कार्रवाई करना चाहेंगे तो जिन लोगों ने उनके खिलाफ FIR कराई है वही बंद होंगे, वही जेल जाएंगे, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि आपको पीटा जाएगा, ये पिटना आपका अधिकार है, ऐसा अधिकार नहीं। बात को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात नहीं जा रही, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कोई अगर ये कहता है कि आपका अधिकार पिटना है कुछ लोगों द्वारा तो ये अपराध है अपने आप, जो ये कहेगा वो जेल जाए। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम सब शुद्ध हैं, उनको जो है रोक दिया, मंदिर में नहीं जाना दिया। मैं कह रहा हूँ ना, अगर अखिलेश यादव जी ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं खुशी खुशी जाके पिटना चाहता हूँ, अपना अधिकार पिटने का लेना चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं मंदिर में बार बार दबे, वहाँ पे उनका अपमान होता है? ये तो आप उन्हीं से सवाल कर सकते हैं। मोदी जी ने तो साफ कर दिया, जो जिनको जो
EWS मिलती है, EWS में रिजर्वेशन मिल रही है, जो 10% की रिजर्वेशन है वही हिंदू है। उन्होंने कहा है ना हिंदुओं को हमने रिजर्वेशन दे दी, तो फिर भी अगर हिंदू की डेफिनेशन किसी को नहीं क्लियर हो रही तो उसकी धीरे धीरे और गलतफहमी दूर हो जाएगी, सबसे बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको ज़बरदस्ती जाके पिटने का अधिकार लेना क्यों है, क्यों क्यों मेरी समझ में नहीं आती। देखिए हम लोग EVM के खिलाफ पूरी ताकत लगा रहे हैं जितनी हमारे पास लिमिटेड संविधान संसाधन है उससे, लेकिन अपोजिशन पार्टियों को ये समझना चाहिए EVM एक ऐसा माध्यम है जिससे देश के जो सही देश की जनता की भावना है उसको दबाया और मिटाया जा सकता है। तो इसलिए EVM के खिलाफ भी हमें उतनी जागरूकता से निकलना चाहिए सड़कों पे और रोकना चाहिए। अगर EVM ही अगर हम रोकने में कामयाब हो गए तो ये 10-12% जो एक्स्ट्रा वोट ले जाते हैं 10-15% वो इनके खत्म हो जाएंगे, वैसे ही सारे इलेक्शन हार जाएंगे।